सच्चे दिल से जो काम किया जाता है ना वो कभी जाया नहीं जाता। किसी फिल्म को हिट प्रेडिक्ट करना इज लाइक फाइंडिंग अ क्योर फॉर बॉल्डनेस। दोनों चीजें मतलब आज तक कोई कर नहीं पाया है। यू आर ऑल्सो वर्किंग विद करीना कपूर, डू यू थिंक शी इज अंडररेटेड एज एन एक्टर? शी इज अंडर यूटिलाइज्ड। कि ये जो है ना कि अच्छा 100 करोड़ किया, 200 करोड़ किया, 300 करोड़ किया, 5 करोड़ किया, 10 लाख किया, मैं उन नंबर्स से परे हूँ। कई बार बुरी फिल्मों के कलेक्शन ज्यादा होते हैं। रणबीर कपूर एंड आलिया, देयर इज रणबीर एंड दीपिका, देन देयर इज यू एंड राजकुमार राव। ही इज मैरिड, वेरी हैप्पीली मैरिड टू पत्रलेखा, एंड मैंने कोशिश भी की थी कई बार कि उनकी शादी ना हो, लेकिन मगर ये हो ना सका। नेशनल अवार्ड मिलता है तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। मतलब वो जो बंद गले वाला जैकेट पहनने का जो फीलिंग है ना वो बहुत, मतलब ऐसा लगता है कि मैं मतलब मिनिस्टर बन गया हूँ। उसी पार्टी के बाद वो लोग ने डेट करना शुरू कर दिया, कब साथ में रहने लगे वो कुछ समझ में नहीं आया, इतना फास्ट हुआ। तो मनोज एक्चुअली बड़ा तेज निकला। Is there anything that you think that our generation lacks? I don't know. They right now they lack a leader from their generation. Are you used to doing ramp walks like these for the camera? बढ़िया, बहुत अच्छा, मतलब अच्छा लग रहा है यहाँ। आपको मजा आता है लाइफ में, या फिर कभी कभी ऐसा होता है टाइम when you are like अब मजा नहीं आ रहा मुझे इस काम में, I want to do something else? Does that happen to you? इस काम में मुझे आज तक, मैं 25 साल से फिल्में बना रहा हूँ, और इन 25 सालों में मुझे कभी ये लगा ही नहीं है कि मैं काम कर रहा हूँ। आई गेट अप एवरी डे एंड आई हैव नॉट वर्कड अ सिंगल डे इन माई लाइफ, आई एम जस्ट हैविंग अ गुड टाइम, एंड इससे अच्छा कोई काम नहीं हो सकता, यू नो, टू डू व्हाट यू लव डूइंग। Yeah, but is there a part of the process that you don't like? Like I love my work, but coordinate pre-production is something I don't like. Is there a part that you don't like? The part I don't like is when I'm not working. Okay. जब काम बीच में नहीं होता है तो उसमें कई कभी कई बार ना I get awkward, समझ में नहीं आता है क्या करें। तो of course it is important, that time is important because you have to recharge. Yeah. लेकिन उस वक्त थोड़ा restlessness होता है, बट अदरवाइज मुझे याद नहीं है किस दिन व्हेन आई हैव बीन, मुझे जो जिस चीज़ से मुझे व्हाट आई डोंट लाइक एंड व्हिच आई हैव लर्न टू कोप विद इज जब रिलीज का जो के जो दिन होते हैं, वो जो 2-3 दिन होते हैं उनमें मैं थोड़ा सा नर्वस हो जाता हूँ। उस नर्वसनेस से मैं सोचता हूँ कि इतने साल हो गए अब तो नर्वस नहीं रहूँगा, लेकिन वो नर्वसनेस से मैं नहीं लड़ पाता हूँ, और वो इट इज़ क्वाइट हैरोइंग। दैट्स द वर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वर्क, यू नो, व्हेन योर वर्क इज आउट देयर फॉर स्क्रूटिनी, तब आपको थोड़ा सा डर लगता है, लगता है जैसे एग्जाम के रिजल्ट्स आने वाले। हाँ, एंड वो मतलब एग्जाम के रिजल्ट्स को लेकर मैं स्कूल से परेशान रहता था। कोई ऐसी फिल्म है जिसके लिए सबसे ज्यादा डर लगा हो, या फिर कोई ऐसी फिल्म जिसके लिए बिल्कुल डर नहीं लगा हो, यू वर लाइक ये तो हिट हो ही जाएगी? नहीं, ऐसा तो कहना, मतलब वो हिट, किसी फिल्म को हिट प्रेडिक्ट करना इज लाइक फाइंडिंग अ क्योर फॉर बॉल्डनेस। दोनों चीज़ें मतलब आज तक कोई कर नहीं पाया है। सो आई थिंक वो प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। डर हर फिल्म के लिए लगता है, हर काम के लिए। मतलब मेरी छोटी सी एड फिल्म भी अगर कल से एयर होने वाली होती है तो मैं थोड़ा सा नर्वस होता हूँ कि कैसे दिखेगा। ट्रेलर बाहर होता है तो ट्रेलर के रिलीज पर भी थोड़ा सा एक नर्वसनेस रहता है। कल का पूरा दिन मैंने कोई काम नहीं किया है, मैं सिर्फ ट्रेलर के रिस्पॉन्सेज देख रहा था कि लोगों को समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, लोगों को फ़ोन कर रहा था, पूछ रहा था। तो हाँ, ये काम है जिसमें मुझे कई बार लगता है कि अरे ये काश ना होता कि सब कुछ रिलीज हो जाता, हर चीज़ को 5 स्टार्स मिल जाते बस फ्री में। And do you like criticize yourself also a lot? Yes, I do. I'm a bit. Are you harsh on yourself? Is that it's my people mind. Think I'm very harsh on myself. I think it is important to be harsh on myself because ultimately that's what keeps me growing. It allows me to look ahead
So you have to be critical and not harsh. You have to be critical of your own work. You have to look at it objectively. और objectively देखना मुश्किल है. It is like a exam paper. कि आप अगर किसी पेपर में फेल हुए हो, है ना, आप री एग्जामिनेशन के लिए जाते हो, आपको पेपर कोई दिखाता है तो आप बोलते हो नहीं नहीं ये सब तो ठीक है. यू आर नॉट एबल टू सी इट ऑब्जेक्टिवली देन. बट सम मंथ्स लेटर यू रियलाइज कि हाँ मैंने मेरी गलतियाँ इसमें थी. सिर्फ एग्जामिनर की गलतियाँ नहीं थी. तो इट्स द सेम थिंग विथ क्रिटिसिज्म कि उस वक्त आप क्रिटिसिज्म से बड़े परेशान हो जाते हो, लेकिन कुछ महीनों बाद आपको लगता है कि हाँ कुछ चीज़ें सही थी कुछ चीज़ें नहीं थी. मुझे सिर्फ ये लगता है कि क्रिटिसिज्म करने का एक जो अंदाज होता है उसमें भी देर हैज़ टू बी डिग्निटी. वो कई बार जब लैकिंग होती है तब आप परेशान होते हो. दैट्स व्हेन यू फील लेट डाउन कि यू नो देर इज़ अ वे टू बी क्रिटिकल, देर इज़ अ वे टू बी प्रेज़वर्दी ऑल्सो. हर चीज़ में डिग्निटी होनी चाहिए बिकॉज अल्टीमेटली किसी की मेहनत है जिस पर आप आपका ओपिनियन दे रहे हो. और आप बिल्कुल आप ओपिनियन दीजिए जो आपका सही सच ओपिनियन, सच और सही ओपिनियन दीजिए, लेकिन डिग्निटी के साथ दोगे तो अच्छा लगेगा. कोई ऐसा इंसान है जिसका रिव्यू आपके लिए बहुत मैटर करता है? मेरी मेरी बड़ी बेटी किमाया. ओके. एंड कोई ऐसा इंसान जिसके लिए जिसका रिव्यू आपके लिए बिल्कुल मैटर नहीं करता? ऐसा कोई नहीं है. मतलब मैं मेरा अपना रिव्यू. ओके. व्हेन आई लुक एट यू ऑफ कोर्स यू स्पोक अबाउट बीइंग नर्वस, पर मुझे आपको देख के लगता है कि आप बहुत ही सैटिस्फाइड हो. आई थिंक ऐसा आप मुझे लगता है देखकर कि आपको फर्क नहीं पड़ता कि अगर पिक्चर अच्छी करेगी तो करेगी, नहीं करेगी तो नहीं करेगी. यू आर सैटिस्फाइड. सो आर यू सैटिस्फाइड? अच्छी करेगी जो है ना, मैं उस चीज से अभी परे हूँ. हाँ. कि ये जो है ना कि अच्छा 100 करोड़ किया, 200 करोड़ किया, 300 करोड़ किया, 5 करोड़ किया, 10 लाख किया, मैं उन नंबर्स से परे हूँ. क्योंकि मैं सोचता हूँ कि जो काम हम करते हैं ना उसको आप नंबर्स से नहीं तोल सकते हो. इट इज़ बियॉन्ड नंबर्स. नंबर्स उनका काम है जो उस फिल्म को प्रोड्यूस करते हैं, जो उस काम में इन्वेस्ट करते हैं. वो नंबर्स उनका लुकआउट है. आपको मज़ा आया कि नहीं, आपको उस एक्सपीरियंस से कुछ मिला कि नहीं, आपको क्या हासिल हुआ, आपको उससे मतलब रहना चाहिए. मैंने कितना कमाया वो आप जान के क्या करोगे? जो मैंने कमाया है उसमें आपका हिस्सा भी नहीं है. आपका सिर्फ ये है, आपका प्यार वही हमारी पूंजी है और हम वही चाहते हैं. मतलब वो कलेक्शंस लीव इट टू द ट्रेड पीपल कि इन कलेक्शंस ने बहुत सारी बुरी फिल्म बनने का, मतलब वो सबसे बड़ा कारण है कि बुरी फिल्में बनती है. क्योंकि कई बार बुरी फिल्मों के कलेक्शन ज़्यादा होते हैं और लोग उसको अच्छा समझने लगते हैं कि आप बुरी है लेकिन ऐसा चलता है. और वो जो चलता है वही बहुत समय बाद आपको लगता है अच्छा ये तो चलता नहीं है. ओके. सो देयर इज रणबीर आलिया, देयर इज रणबीर कपूर एंड आलिया, देयर इज रणबीर एंड दीपिका, देन देयर इज यू एंड राजकुमार राव. I don't know a better love story than that. Tell me, how is it working with him? ये थोड़ा सा loaded है. Of course, it's a love story. ऐसा लग रहा है कोई उधार उन्होंने लिया है. Absolutely love, absolutely. Rajkumar and mine is a love story. लेकिन बहुत platonic है. मतलब he's married, very happily married to Patralekha. And मैंने कोशिश भी की थी कई बार कि उनकी शादी ना हो, लेकिन मगर ये हो ना सका. और बट नहीं, राजकुमार भाई, आई ऑलवेज से कि राजकुमार वो एक होता है ना कि आपके घर में एक बच्चा पैदा होता है एंड उसके आने से घर में खुशियाँ होती है, आप प्रॉस्परस होते हो. तो राजकुमार वो बच्चा है कि जब वो मेरी ज़िंदगी में आया, जब हमने शाहिद साथ में बनाई, उसके बाद मेरी ज़िंदगी का एक नया पड़ाव शुरू हुआ. और अब जो काम करता हूँ, जो आप लोग पसंद करते हो, जिसको आप इतना प्यार देते हो, वो काम राजकुमार के आने के बाद हुआ है. तो मैं हमेशा ये मानता हूँ कि राजकुमार मेरा वो बच्चा है जो घर में, ही ब्रॉट गुड लक टू मी. हाउ डिड यू डिस्कवर हिम? आई डिड नॉट डिस्कवर हिम. मुझे एक्चुअली मुझे एक्टर नहीं मिल रहा था शाहिद के लिए. कोई भी एक्टर
मेरे साथ काम करने को उस वक्त तैयार नहीं था। तो शाहिद में मुझे किसी ने कहा कि शाहिद है तो शाहिद कपूर से बात करो, तो शाहिद कपूर ने मुझसे मिले ही नहीं, और बहुत सारे एक्टर्स से मिला। हाँ। उन्होंने मतलब उनको मेरे ऊपर डाउट था, एंड मैं उनको ब्लेम नहीं करता हूँ, उससे पहले मैंने बहुत बुरा काम किया था, तो किसी को बिलीव नहीं था मेरे काम में। एंड मुकेश छाबरा जो कास्टिंग डायरेक्टर है, और अनुराग कश्यप, अनुराग कश्यप ने मतलब किसी बहुत कम लोगों को ये पता है कि अनुराग कश्यप ने अपनी पहली फिल्म मेरे लिए लिखी थी, तो उसकी उस एज अ राइटर जो डेब्यू था, जयते करके फिल्म थी जो हमने साथ में बनाई थी, और अनुराग उसके राइटर थे, तो अनुराग इस फिल्म में जुड़ा हुआ था। तो ये दोनों मुझे बार बार कह रहे थे कि राजकुमार करके एक्टर है, आप मिलिए उससे। वो गैंग्स ऑफ वासीपुर में शूटिंग कर रहा था, उसने कहा बहुत अच्छा एक्टर है, आप मिलिए। मैंने अनुराग से कहा यार मैं मिल के क्या करूँगा, कोई पैसे नहीं देगा उसके साथ, मैं खुद जानता नहीं हूँ कौन है। बोला नहीं, लव सेक्स और धोखा में था वो। बोला मुझे याद ही नहीं है। और एक दिन मुकेश छाबरा का फ़ोन आया कि आप मिल तो लो उसको, आप चाय पी लो। बोला ठीक है चल डन, मैं पी लूँगा, लेकिन मैं बताता हूँ कब। बोला नहीं नहीं वो ऑफिस के बाहर खड़ा है। बोला अच्छा। फिर वो आया ऑफिस में, हमने चाय पी, बातें की, और कुछ 20 मिनट बाद मैंने उसको कहा देखो शाहिद तुम ही हो, अब फिल्म कैसे बनेगी ये देखते हैं। लेकिन भाई हमने 11 महीने में और 35 लाख रुपये में शाहिद बनाई, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। राजकुमार राव जैसे आप सब जानते हो, उसको नेशनल अवार्ड मिला वो बेस्ट एक्टर उस फिल्म के लिए, मुझे बेस्ट डायरेक्शन का नेशनल अवार्ड मिला। उस एक्सपीरियंस ने मुझे एक ही चीज़ सिखाई कि आपका कन्विक्शन जो है वो पैसों से बहुत बड़ा होता है। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि कभी भी फिल्म को ना पैसों से मत तोलिए। वो 35 लाख में बनी थी, हमने DSLR कैमरा लेकर कैनन 5D के साथ वो फिल्म बनाई थी, और हमारी यूनिट में 10 लोग थे, ना मेकअप था ना कॉस्ट्यूम था, हम खुद ही कॉस्ट्यूम करते थे। राजकुमार अपने कपड़े सिलेक्ट करता था, और कैसे करता था, तो साथ में हमारे साथ जो होता था बोलता अरे शर्ट दे दो ना आपका, तो वो आदमी शर्ट उतारता था अपना, और राजकुमार अपना शर्ट उसे दे देता, तो हम शॉट ले लेते थे। तो ये एक स्पिरिट है जिसके साथ फिल्म बनती है, एक जज्बा है कि आप हमें अच्छी फिल्म बनानी है, बाकी कुछ मायने नहीं रखता है, और इसीलिए हमको शायद उसका रिवॉर्ड मिला। एंड उसके बाद मतलब वो फिल्म बनाने की शैली मतलब मैंने एक चुनी कि मैं इसी तरह से इसी स्पिरिट के साथ अपनी फिल्में बनाना चाहता हूँ। नेशनल अवार्ड मिलता है तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, मतलब वो जो बंद गले वाला जैकेट पहनने का जो एक फीलिंग है ना वो बहुत मतलब ऐसा लगता है कि मैं मतलब मिनिस्टर बन गया हूँ। तो मैं जब गया था ना स्टेज पर, हमारे प्रेसिडेंट श्री प्रणब मुखर्जी उनसे लेने में बहुत बड़ा मोमेंट था, और मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि उसके एक साल पहले शाहिद बनने के बाद मेरी मदर जो है, जिनसे मैं बहुत क्लोज था, वो गुजर गई, सडनली गुजर गई, और वो ये सारी चीज़ें देख नहीं पाई। तो मेरे लिए वो नेशनल अवार्ड एक उनका ब्लेसिंग था कि वो और वहाँ क्राउड में मेरे फादर थे, मेरी पूरी फैमिली थी, तो मेरे लिए वो एक बहुत पर्सनल मोमेंट था कि वो भी उन्होंने भी देखा कि यू नो राष्ट्रपति से हमें राष्ट्रीय पुरस्कार मिल रहा है, और इट्स द बिगेस्ट अवार्ड, मतलब वो जिसे गोल्डन लोटस कहते हैं वो दिया गया था। सो उससे बेहतर फीलिंग नहीं हो सकती है कोई, नेशनल अवार्ड को कोई मतलब जो लोग कुछ भी कहे, नेशनल अवार्ड होता है। यू गाइस हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। तो सर यू टोल्ड अस दैट आप बहुत टाइम से फिल्मों में, 20 इयर्स एंड मोर देन दैट, सर यू हैव सीन कंटेंट इवॉल्विंग ऑफ सिनेमा, एंड एज अ ऑडियंस आल्सो यू हैव सीन कि ऑडियंस की प्रेफरेंस बदल गई है, चॉइसेस बदल गई हैं, वो क्या देखेंगे, उन्हें क्या पसंद आता है। सो सर यू बीइंग
such a great director, what all things you take in your mind when you direct a film and when you choose a, basically when you pick a story ki ha mujhe ye direct karna hai, to major kaun si cheeze aap sochte hain ki ha main ye sochunga? Main matlab I look for what the film does to me, what the story does to me, how much does the character appeal to me, how much do I want to tell that story. I think that is most important. What does it feel for you? You know, audience and ki ultimately uske, how will you raise money for it, how will it recover its money, ye sari cheeze baad mein hoti hai. Pehle kya wo kahani mere raaton ki neend haram karti hai? That is very important. You know, when the story starts giving you sleepless nights, when you start thinking about it, that's when you realize. So sometimes you listen to a story, kehte ho, "Wow, very good," but you forget the story. So those are forgettable stories. So if the story appeals to you and you think about it over and over again, then it is something that you want to make. So main matlab wo, it's a thumb rule. Main bahut simple tarike se apni kahaniyan chunta hu. Usme ganit hota nahi hai. Jab bhi ganit kiya hai maine, tabhi fail hua hu. Buri tarah se, matlab muh ke bal gira hu main. So sir, we have seen your films like City Lights and Scam 1992. Sir, your films are based on, you know, political and social issues. So sir, what is that one thing jo aapko is subject ke towards draw karti hai, and what is your experience like making, you know, bringing true events into a narrative like in cinema narrative? So what is your experience and how you deal with it? Jaise maine kaha, main subjects jo mujhe that touch me, that I want to portray on screen, I get drawn to them. मैं forcibly अपने आप को political या social issues की तरफ नहीं डालता हूँ, लेकिन मैं उन लोगों की तरफ, उन लोगों की कहानी कहना पसंद करता हूँ जो, जिनके बारे में कोई लिखता नहीं है, जिनके बारे में कोई सोचता नहीं है, जिनकी अपनी कहानी होती है लेकिन हम उनको इग्नोर करते हैं. जैसे सिटी लाइट्स थी, कि वो उन लोगों की कहानी है जो हमारा शहर एक्चुअली चलाते हैं लेकिन हम उन्हें देखते तक नहीं है. कि जो उधर कोने में मतलब ऐसे बैठे हुए हैं काम के तलाश में, हम क्या, हमने सोचा है कि इनकी कहानी क्या है, वो कहाँ से आए हैं? तो वो आई थिंक उन कहानियों के ज़रिए हम अपनी दुनिया को ज़्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करते, एक एम्पथी क्रिएट करने की कोशिश करते. इसीलिए उनकी कहानी में ना हमने गाना रखा है, मुस्कुराने की वजह तुम हो. वो हिट गाना इसीलिए है कि भाई आप समझो कि ये जो रोमांटिक सॉन्ग्स है ना, वो सिर्फ खूबसूरत से महलों में या मनीष मल्होत्रा की आउटफिट्स में नहीं, रोमांस सिर्फ उनके बीच नहीं होता है, रोमांस हर शख्स की ज़िंदगी में होता है. मतलब वो दीपक और राखी जो कैरेक्टर्स है उसमें, उनमें भी उतना ही रोमांस होता है, लेकिन हम उस रोमांस की तरफ नज़र नहीं मारते. सो स्कूप इज कमिंग ऑन नेटफ्लिक्स, इट्स ऑल्सो बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी. हाउ डू यू स्टे ट्रू टू द स्टोरी एंड ऑल्सो एड ड्रामा टू द सीरीज? कोई फिल्टर्स ऐसे जो आप रखते हो? वो मतलब ये वही मैं बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन नहीं होता है. हाँ. बट स्कूप, जैसे एक किताब थी जिग्ना वोरा की के मेमोर से, माई डेज इन प्रिजन, तो वो उस उन मेमोर्स पर बेस्ड हमें शो बनाना था. लाइक मुझे वो बुक दी गई थी, तो बुक पढ़ के मुझे लगा कि और बड़ी कहानी है अबाउट अ जर्नलिस्ट, हर एस्पिरेशंस. अगेन एन ऑर्डिनरी पर्सन, हम अखबार पढ़ते हैं, सुर्खियाँ देखते हैं, लेकिन हम सोचते नहीं कि इन सुर्खियों के पीछे जो शख्स है, जो उस पीस को लिखता है, जिसको उसका बाईलाइन है, वो उस बाईलाइन के पीछे क्या कहानी है, उसकी क्या एस्पिरेशंस है. तो उन एस्पिरेशंस को एक्सप्लोर करने में एक रियल लाइफ स्टोरी मिली, जिसको मतलब हमने ड्रामेटाइज किया. क्योंकि मुझे मतलब उस बुक के बाहर की कहानी में जाना था, तो बहुत सारी चीज़ें ड्रामेटाइज, बहुत सारी चीज़ें फिक्शनलाइज करनी पड़ी. जिसकी वजह से हमने नाम भी नहीं लिए कैरेक्टर्स के, हमने नाम बदले हैं. yeah. कई कैरेक्टर्स को कंपोजिट किया है. yeah. तो ये आप
देखिए ट्रू स्टोरीज आप जितनी रिस्पॉन्सिबली कह सकते हो आप कहने की कोशिश करते हो. मैं कहानियाँ इसलिए नहीं कहता हूँ कि मैं सेंसेशनलाइज करूँ या तो कंट्रोवर्सी क्रिएट करूँ या तो मतलब यू नो आई एम नॉट आफ्टर दोज टेम्पररी हेडलाइंस. आई एम टेलिंग यू स्टोरीज ऑफ आर टाइम कि आज 50 साल बाद जब आपके बच्चे जब जानना चाहेंगे कि उस वक्त ये हमारा देश कैसा था तो शायद मेरी फिल्मों के ज़रिए मेरे कैरेक्टर्स के ज़रिए उनको थोड़ा सा हमारे देश के बारे में अंडरस्टैंडिंग मिलेगा. तो इसीलिए आई वॉन्ट टू टेल दो स्टोरीज अबाउट ट्रू इंसिडेंट्स ट्रू स्टोरीज क्योंकि बिफोर हिस्ट्री इज री रिटन एंड इट इज गिवन अ डायरेक्शन दैट इज नॉट नेसेसरीली ट्रूथफुल आई थिंक आर फिल्म्स विल बी अ ट्रूथफुल क्रॉनिकल ऑफ आर टाइम्स. How has OTT changed your life? I found an audience. पहले मैं फिल्में बनाता था, audience नहीं मिलता था. तो अब मतलब I think OTT has given us you know filmmakers like me an audience. जैसे अभी हाल ही में फराज करके फिल्म थी मेरी, तो वो थिएटर्स में छोटा सा रिलीज था, बहुत कम लोगों ने देखी क्योंकि नाइट शोज थे जिसमें दिल्ली में तो कोई जाता ही नहीं है. नाइट शोज़ में 10:30 बजे के शोज़ थे तो कोई गया ही नहीं. लेकिन जब वो फिल्म नेटफ्लिक्स पर ड्रॉप हुई तो वो करीब 2 से 3 हफ्ते तक चार्ट्स पे थी. इट वॉज ऑन टॉप ऑफ द चार्ट्स फॉर 2 वीक्स. इट वॉज ऑन द वर्ल्ड वाइड चार्ट्स. सो द फिल्म फाउंड इट्स ऑडियंस, इट्स फाउंड इट्स एप्रिसिएशन. एंड एज अ फिल्म मेकर आप यही चाहते हो कि लोग देखें आपका काम. And OTT has done that for us. You know, we have found a way to tell our stories. Also, जो long format है कि हम फिल्मों में कई बार सीमित रहते हैं कि भाई 2-2.5 घंटे में आपको कहानी कहनी है. इसमें मतलब जैसे स्कूप है, अब वो मतलब आप 5-5.5 घंटे की एक कहानी है जो आप एक एक्सपीरियंस है जिसमें आप ना एक जागृति पाठक की दुनिया में आप अपने आप को इमर्स कर सकते हो. यू कैन गेट इन टू हर वर्ल्ड, बिकम पार्ट ऑफ इट, यू नो. तो एक लॉन्ग फॉर्मेट अपने आप में एक एक्सपीरियंस है, एक एक्सप्लोरेशन है. तो उसमें मज़ा आता है. मतलब आई थिंक ये लॉन्ग फॉर्मेट का मज़ा अलग है एंड विच आई एम एंजॉइंग अ लॉट. और वो OTT की वजह से पॉसिबल रहा है. यू हैव कास्टेड करिश्मा तन्ना इन इट एंड लाइक बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स का ये परसेप्शन होता है कि वो टीवी में काम करेंगे तो उन्हें टाइपकास्ट कर दिया जाएगा. डू यू थिंक दैट्स ट्रू? ऐसा फिल्टर है लोगों में कि टीवी एक्टर्स होते हैं और फिल्म एक्टर्स है? बिल्कुल है. मतलब लोग ये बात ना मैं अक्सर सुनता हूँ. जब करिश्मा को कास्ट भी किया था मुझे कई लोगों ने कहा अरे वो टीवी करती है, तो आई सेड वो एक्टर है या नहीं है मुझे ये बताओ. सी एक्टर होता है. एंड अगर सी मेरा मानना है कास्टिंग ऑनेस्ट होनी चाहिए. आपकी कैरेक्टर में क्या ये एक्टर फिट होता है? क्या वो टीवी कर रही है, फिल्में कर रही है, सुपरस्टार है, न्यू कमर है? ये सारी चीज़ें, ये सब टर्म्स हैं. हमने स्टीरियोटाइप किया है लोगों को. न्यू कमर, स्ट्रगलर, मुझे ये सब वर्ड से नफरत है. न्यू कमर, स्ट्रगलर, टीवी एक्टर, सुपरस्टार, मेथड एक्टर, ऐसा कुछ नहीं है. एक एक्टर होता है और एक नॉन एक्टर होता है. तो एक्टर को जो एक्टर उस कैरेक्टर के लिए बना है उसको कास्ट करना ज़रूरी है. और करिश्मा शायद इस रोल के लिए बनी थी. एंड मतलब मेरी खुशकिस्मती है कि करिश्मा ने ऑडिशन दिया. ऑडिशन पता नहीं, मैंने देखा और मुझे पसंद आया इमीडिएटली, इंस्टिंक्टिव था. और मैंने मुकेश छाबरा को फ़ोन किया कि यार उसने बोला हाँ मुझे पता है. उसने मैं कुछ कहूँ उससे पहले कहा कि करिश्मा तन्ना आपको अच्छी लगी ना? बोला हाँ. बोला ठीक है मैं बात करता हूँ. फिर नेटफ्लिक्स से बात की, नेटफ्लिक्स ने भी कहा नहीं नहीं शी इज़ वेरी गुड. उन्होंने भी ऑडिशन देखा. सो इट वॉज ऑलमोस्ट अ यूनानिमस चॉइस. सो आई वॉन्ट टॉक अबाउट अलीगढ़. आई थिंक दैट्स द फर्स्ट फिल्म दैट आई सॉ ऑफ योर्स एंड आई रियली लाइक इट. एंड आई ऑल्सो गॉट टू नो कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था उसमें भी जिक्र था अलीगढ़ का. हाउ डज दैट मेक यू फील? डज दैट मेक यू फील पावरफुल? डज दैट मेक यू फील कि यू हैव अ पर्पस नाउ टू यू नो फाइट फॉर मोर इशूज थ्रू योर सिनेमा? आई डोंट थिंक द पर्पस ऑफ सिनेमा इज टू फाइट. द पर्पस ऑफ सिनेमा इज टू प्रवोक यू टू बिल्ड कॉन्वर्जेशंस. कि मेरी फिल्म के ज़रिए
जो उस वक्त वो सेक्शन 377 लागू था एंड कोर्ट में वो केस चल रहा था उस पर सुप्रीम कोर्ट में, तो उस बैटल में मेरी फिल्म बिकेम वन ऑफ द कॉन्वर्जेशन पीसेस थ्रू दैट स्टोरी. तो मैंने तो फिल्म बनाई थी बिकॉज आई फाउंड दैट कैरेक्टर फैसिनेटिंग, आई फाउंड हिज लोनलीनेस समथिंग दैट आई वॉन्टेड द वर्ल्ड टू एक्सपीरियंस, कि आदमी मतलब अपनी लोनलीनेस में मस्त रहना चाहता है, उसको आपने रहने नहीं दिया. क्यों? बिकॉज उसकी सेक्शुअल ओरिएंटेशन से आपको दिक्कत है. सो वो दैट थिंग अफेक्टेड मी, द स्टोरी अफेक्टेड मी एंड आई वॉन्टेड टू टेल इट, एंड द फैक्ट दैट इट बिकेम द सेंटर पीस ऑफ दैट मूवमेंट, आई थिंक मेरे लिए इट वॉज जस्ट वेरी सेटिस्फाइंग. एंड जब सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में उसका जिक्र किया गया तो समवेयर यू फेल्ट दैट हाँ सम वी डिड समथिंग राइट यू नो, एंड कि सच्चे दिल से जो काम किया जाता है ना वो कभी ज़ाया नहीं जाता. इट इज़ अ फिल्म मेंट फॉर कॉन्वर्जेशन. तो वो वही कहता हूँ, फिल्म्स आर नॉट मेंट फॉर सोशल चेंज, दे आर मेंट फॉर कॉन्वर्जेशन. क्या आप फिल्म देख के बातें करो, समझो कि एक इंसान पर इम्पैक्ट क्या होता है. कि आप सोशल ऑस्ट्रसाइजेशन जो है बिकॉज उसका सेक्शुअल ओरिएंटेशन आपको नहीं, यू आर नॉट एग्रीएबल टू दैट पर्सन सेक्शुअल ओरिएंटेशन, तो आपने उसको सस्पेंड कर दिया, उसको अपनी सुकून की ज़िंदगी से आपने उसकी वो उसका वो सुकून छीन लिया. लता मंगेशकर का गाना सुनता है वो, विस्की पीता है, आपने वही छीन लिया उससे, छोटी छोटी खुशियाँ उससे छीन ली. सो नोबडी शुड बी कंडेम्ड टू अ लाइफ ऑफ लोनलीनेस एंड ऑस्ट्रसाइजेशन बिकॉज ऑफ हिज और हर चॉइसेस. एंड आई थिंक यू नो ऐसी कहानियाँ मुझे बार बार ना मिले तो बेहतर है, क्योंकि ऐसी चीज़ें दुनिया में होनी नहीं चाहिए. Absolutely. Can you tell us something about Manoj sir? Like how is it working with him? What is the kind of person that he is? Manoj मेरा बहुत मतलब शायद one of the first friends. विशाल भारद्वाज मेरा पहला दोस्त है इंडस्ट्री में. And विशाल के बाद विशाल के जरिए मैं आशीष विद्यार्थी से मिला और आशीष ने मुझे एक्सीडेंटली मनोज से मिलवाया था. तो ये मतलब मैं 28 साल पहले की बात कर रहा हूँ. तो आशीष विद्यार्थी मिलने आया था और मैं आशीष को बाहर छोड़ने गया, मैं कुछ एक शॉर्ट फिल्म बना रहा था आशीष के साथ, बाहर छोड़ने गया और बाहर मोटर बाइक पे मनोज वाजपेयी बैठा था. एंड वहाँ से दोस्ती शुरू हुई. तो मुझे किसी ने कहा कि मनोज मतलब आशीष की बाइक चलाता है, आशीष को सब जगह डायरेक्टर से मिलने लेके जाता है. एंड दैट्स वेयर आई मेट मनोज. तो मनोज तब से मेरा दोस्त है, वी हैव बीन क्लोज फ्रेंड्स. तो उसके साथ शूट करना इज़ लाइक अ पिकनिक. हम लोग लगते हैं सीरियस, फिल्म बहुत सीरियस है, वो अपनी बहुत तैयारी करता है, लेकिन जैसे कट होता है हम लोग जो बकवास करते हैं ना वो मतलब सुनने लायक भी नहीं है. यू प्लेड क्यूपिड फॉर हिम. He met his wife at your party. At a party, yeah. Was it planned as a friend? It was planned. It was totally planned. हमने मतलब पूरा वो किया था कि भी मनोज शबाना से मिलेगा. And hopefully हमने ये नहीं सोचा था कि इतने जल्दी हो जाएगा. Okay. मतलब वो हमने बोला gradually मिलेंगे, बातचीत शुरू होगी. मनोज बहुत shy भी था. And but Manoj sir lied or like who initiated this? Yeah, you saw it and you thought कि ये हो जाएगा. नहीं नहीं हमने मतलब ये प्लानिंग था कि भाई ये दोनों को मिलवाना चाहिए, दोनों सिंगल थे. लेकिन वो हमारा एक दोस्त था रजत, जो डायरेक्टर रजत मुखर्जी नो मोर, तो रजत गॉट शबाना देयर. हम लोग मनोज को ले गए एंड वी नेवर रियलाइज कि इतनी जल्दी हो जाएगा. मतलब उसी पार्टी के बाद वो लोग ने डेट करना शुरू कर दिया, कब साथ में रहने लगे वो कुछ समझ में नहीं आया, इतना फास्ट हुआ. तो मनोज एक्चुअली बड़ा तेज निकला. हाउ डिड लाइक फॉर पेरेंट्स टू कन्विंस देम दैट आई वांट टू वर्क इन द फिल्म इंडस्ट्री कैन बी डिफिकल्ट एंड स्पेशली व्हेन यू आर नॉट गोइंग देयर टू एक्ट. हाउ डू यू एक्सप्लेन योर करियर टू देम? वाज इट डिफिकल्ट? क्या आपको कभी एक्टर बनना था वैसे? नहीं. ओके. कभी एक्टर नहीं बनना था वो मतलब मैं बहुत छोटा था ना तो इफ्तिखार साहब करके मतलब आप अमिताभ बच्चन की पुरानी फिल्मों में ना
वो इंस्पेक्टर के रोल करते थे हमेशा, वो जिनको अमिताभ बच्चन कहता है कि आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता हूँ मैं दीवार में, तो वो मेरे नेबर थे, तो वो उनके साथ ना बचपन में सेट पे जाता था और मैं मतलब पक जाता था देख के कि कितने रीटेक हो रहे हैं। तो मैंने सोचा ये काम तो नहीं करना है, मतलब बार बार वही डायलॉग बोलना। तो आई रियलाइज, अच्छा मैंने अपने आप को आईने में भी देखा था मैंने रियलाइज किया कि ये अपना काम नहीं है। एंड ये भी मेरा डायरेक्शन भी हो गया, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था मैं ये करूँगा, कि जब हुआ तब एक्चुअली मैं तो खाने का शौकीन था, खाना पकाने का शौकीन था, तो मैंने खाना खजाना उस शौक की वजह से खाना खजाना बनाया, वो शो बहुत बड़ा सक्सेस हुआ और उस शो के सक्सेस की वजह से मैं डायरेक्टर बना। तो सारी चीज़ें ना एक्सीडेंटली होती गई, आई हैव कुछ प्लान से नहीं बनी थी, मैंने किसी को असिस्ट नहीं किया, मैंने किसी से डायरेक्शन सीखा नहीं है, मैं फिल्म स्कूल नहीं गया हूँ, आई एम अ सेल्फ टॉट फिल्म मेकर। एंड मैं आई मार्वल कि मैं अभी भी काम कर रहा हूँ कि कुछ ना जानते हुए मैं फिर भी काम करता रहा। How did you get that first chance? Like who was the one who gave you a chance? मुझे एक्चुअली जी टीवी वॉज द मतलब दे बिलीव्ड इन अ 24-year-old who went with an idea for a food show. And they just said okay, in 3 weeks I had a check and did not know how to make the show. So I learned from the people that I worked with, jo technicians maine hire kiye, unse sikha ki kaise shoot karna hai, kya karna hai. And I think filmon mein jo mera debut hua, jo mera pehla kaam hua, वो इट्स बिकॉज ऑफ विशाल भारद्वाज कि वो माचिस करके फिल्म थी जिसका उन्होंने म्यूजिक दिया था, तो उसके ट्रेलर्स और प्रोमोज मैंने एडिट किए थे। तो माचिस के प्रोड्यूसर से विशाल ने मिलवाया, उनको कन्विंस किया कि मैं डायरेक्ट करूं उनके लिए। तो मेरी पहली फिल्म आई ओव इट टू विशाल। सो देयर वाज नो कन्विंसिंग पेरेंट्स दैट आई वांट टू डू दिस? पेरेंट्स मतलब बहुत मेरी मदर तो बेचारी पास्ट अवे नॉट कन्विंस्ड कि ये मेरे बेटे ने पता नहीं क्या कर लिया, यू नो कि वो उनके जाने के बाद एक्चुअली मुझे कई बार लगता है कि अभी काश देख लेती कि ठीक ठाक चल रहा है अभी। सो बट माय फादर सॉ दैट एंड नहीं, उनको प्राइड होता था जब भी मेरा देखते थे ना, आर्टिकल देखते थे, तो वो मतलब मेरे फादर ने जब वो पिछले साल गुजर गए तो हमने जब घर खाली किया तो मैंने बहुत सारी फाइल्स देखी, तो वो सारी मतलब सिंस 1995 जितने कटिंग्स थे सारे कटिंग्स उन्होंने फाइल्स में पूरे सेक्शंस में डाल के उन्होंने स्टिक किए थे, पूरी स्क्रैप बुक बनाई थी। मैं भूल चुका था कि ऐसे आर्टिकल्स छपे थे। तो वो आई मीन यू रियलाइज कि पेरेंट्स आपको एक्चुअली रोकना नहीं चाहते, पेरेंट्स चाहते हैं कि आप खुश रहो, कि आप जो भी करो आपको तकलीफ ना हो, दे डोंट वॉन्ट यू टू बी ट्रबल्ड बिकॉज ऑफ द रॉन्ग चॉइसेस यू माइट मेक, सो दे वॉन्ट टू हेल्प यू इन दैट। दे डोंट नो से कि ये मत करो ये करो, यू नो आप जो भी करो अच्छे से करो, खुश होके करो। आई थिंक अल्टीमेटली दैट्स वॉट पेरेंट्स वॉन्ट एंड दैट्स वॉट आई लर्न फ्रॉम माई पेरेंट्स, दैट्स वॉट आई वॉन्ट फॉर माई चिल्ड्रन, कि भाई जो भी करो बी हैप्पी इन वॉट यू आर डूइंग। Mm-hmm. Is there something that you did for your father after you became successful to give it back to him? Like could be like a materialistic thing. Very like materialistic thing. Actually, I bought him a Mercedes Benz. Wow. It was one of his big dreams. He used to always think about it. Ke, you know, अरे उसकी Mercedes है, उसकी Mercedes है. So I remember he was very sick. This is 2020, he was very sick, just come out of the hospital and I had booked the car. So after he came out, I told him, I said, I want to take you to the temple. So I took him to Prabha Devi. And he said, why are you taking me to the temple? He goes, we have never gone to the temple. I said, nah, you have come from the hospital, so I want to take you to the temple. And
आई ड्रोव इन टू द मर्सिडीज शोरूम, व्हेन आई वॉक्ड इन तो स्कैम का थीम म्यूजिक चल रहा था एंड मतलब वो डफर लोगों ने मेरे फोटोग्राफ्स लगा दिए थे मतलब चारों तरफ इंस्टेड ऑफ माय फादर्स. सो बट या दैट व्हाट वाज हिज रिएक्शन, ही वाज वेरी वेरी ओवरवेल्म्ड. आई मीन ही वाज ही ब्रोक डाउन. या एंड मुझे बार बार ही केप्ट सेइंग के आई डोंट डिजर्व दिस. आई सेड अरे मतलब हाउ कम यू, हाउ कैन यू नॉट डिजर्व इट. यू इफ यू वर नॉट देयर मैं यहाँ पहुँचता ही नहीं. तो इसे नहीं नहीं ये गाड़ी तुम्हारी है. इसे नहीं मेरी नहीं, मेरी गाड़ी उधर है. आई हैव अ कार एंड दिस इज़ योर्स. एंड मतलब ही आई थिंक इन द लास्ट 18 मंथ्स ऑफ हिज लाइफ ही स्पेंड मोर टाइम इन द कार देन इन द हाउस. इज देयर अ मटेरियलिस्टिक गोल दैट यू हैव दैट इज येट टू बी फुलफिल्ड? नो आई डोंट एक्चुअली. आई एम नॉट वेरी मटेरियलिस्टिक इन दैट सेंस. आई लाइक कम्फर्ट एंड बस आई एम होपिंग के मतलब किसी दिन घर खरीद लूँ अपना. आई स्टॉप लिविंग ऑन इन रेंटेड हाउसेज. सो लाइक आपने भी खाना खजाना की बात की, तो जब आप उसमें वर्क कर रहे थे शूट के टाइम पे, लाइक आफ्टर शूट आपको खाना वो खाने को भी मिलता था या फिर आप सिर्फ देख के ही सेटिस्फाइड? क्या लग रहा है वो खाना अभी भी चल रहा है कि उसी का भुगत रहा हूँ मैं? संजीव कपूर का पकाया हुआ, मतलब हम दिन में क्योंकि पैसे बहुत कम मिलते थे खाना खजाना बनाने को, तो हमें दिन में 4 एपिसोड अगर हम नहीं शूट करते ना तो हम लॉस में चले जाते थे. तो वो 4 एपिसोड मतलब 12 रेसिपी, उसमें एक वेजिटेरियन, एक नॉन वेजिटेरियन और एक मीठा, ये बनाना पड़ता था. तो आप सोचिए दिन के 4 स्वीट्स, 4 नॉन वेजिटेरियन रेसिपीज और 4 वेज रेसिपीज खा खा के मतलब. और मेरे सारे उसमें बहुत सारे जैसे मनोज, विशाल, ये सारे दोस्त जो थे वो खाना खजाना उस वक्त सब स्ट्रगल करते थे, तो वो उनको पता होता था शूटिंग है ना, सब वहाँ पहुँच जाते थे खाना खाने. तो हमने बहुत मतलब बहुत सालों तक ना सेट पे संजीव कपूर के हाथों का खाना खाया है. सर हर्षद मेहता कैरेक्टर को बिल्ड करने में आप लोग को क्या क्या चैलेंजेस आए थे स्कैम 1992 में? मतलब वो क्या है, हर्षद मेहता लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर था जिसके बारे में मैं 1991-92 में मैंने भी पढ़ा था. मैं कॉलेज से जस्ट निकला था तो हमारे लिए भी मतलब वो था कि हर्षद मेहता नाम का आदमी है जो बहुत मतलब उसने मतलब मार्केट रेवोल्यूशनाइज किया है, वो पूरे देश को मतलब अमीर करने वाला है. तो उसने मतलब वो जितनी जल्दी राइज हुआ उतनी जल्दी फॉल हुआ. तो उस वक्त फैसिनेशन था कि ये कौन है, और मतलब था अपना ही गुजराती. और मतलब हिस्ट्री ये है कि मतलब मुझे अभी भी लोग ना हर्षद बुलाते हैं, मेरा नाम ठीक से प्रोनाउंस नहीं करते. मेरे कॉलेज की टीचर्स हमेशा हर्षद बुलाते थे मुझे, तो वो मैं फंस जाता था उस नाम के साथ कई बार. ये मतलब 92-93 तक अच्छा लगता था कि मुझे हर्षद बुलाते थे, लेकिन जब वो स्कैम में पकड़ा गया तब मतलब वो उस नाम से दिक्कत होने लगा. तो लेकिन जब ज़्यादा रिसर्च किया जब शो के बारे में, तब मतलब आई रियलाइज कि बिटवीन बिहाइंड एवरी यू नो इवेंट, बिहाइंड एवरी स्कैम, बिहाइंड एवरी इवेंट इज़ अ ह्यूमन बीइंग. तो कोशिश ये थी कि आप एक ह्यूमन बीइंग को रिप्रेजेंट करो. तो द आइडिया वाज टू टेल अ ह्यूमन स्टोरी एंड नॉट कि कहानी कभी भी किसी इवेंट पर नहीं होती है, कहानी एक इंसान पर होती है. तो उसको ह्यूमनाइज करना उसके, तो हर्षद मेहता मतलब नॉर्मल आदमी था, एक फैमिली मैन था, वेजिटेरियन था, शराब नहीं पीता था और अपने फैमिली से बहुत प्यार करता था. और बिजनेस में मतलब उसको कई बार मतलब उसकी उसकी ग्रीड ने उसके इंटेंशंस को बिगाड़ा. एंड मतलब वो एक अपने आप में कहानी है, इट इज़ अ कॉशनरी टेल कि मतलब हाउ ग्रीड बिकम्स योर बिगेस्ट एनिमी. यू नो कि आपके इंटेंशंस अच्छे थे कि भाई वो देश को में हर आदमी मतलब एस्पायर कर सकता है कि ही बिकम्स रिच यू नो विथ गुड इन्वेस्टमेंट, गुड इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट. बट वो सारी चीज़ें पलट गई बिकॉज हिज ग्रीड गॉट द बेटर ऑफ हिम. ऑल्सो सर रिसर्च करने में कितना टाइम लगा था ये पूरी प्रॉपर स्टोरी है ना? रिसर्च देखिए, रिसर्च राइटिंग
इन चीज़ों में सबसे ज़्यादा समय लेना चाहिए मेरा मानना है। तो हमें मौका मिला, मतलब हमने 2017 में मैंने उस शो को साइन किया था और 2020 अक्टूबर में आपने आप सबने देखा, तो 3 साल के ऊपर हमने उस पर काम किया। तो इन चीज़ों को नर्चर करना पड़ता है, जैसे स्कूप भी है, 2020 फरवरी में हमने उस पर काम शुरू किया, आज 2023 है, ऑलमोस्ट 3 साल के बाद ये आप तक पहुंच रहा है। तो कहानी मतलब वो मतलब बच्चों की तरह होती है, आपको उनको नर्चर करना पड़ता है, उन कैरेक्टर्स को नर्चर करना पड़ता है, उनको आपका आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना पड़ता है ताकि आप तक हम उसको पहुंचा सकें। और जब इतना इतना टाइम लगता है रिसर्च में, लाइक यू सेड, डज इट एवर गेट स्कैरी व्हेन यू डोंट हैव अ प्रोजेक्ट इन बिटवीन? नहीं, काम करते रहते हैं, कीप वर्किंग। मैं मतलब आई एम लकी, मेरे राइटर्स बेचारे बिजी रहते हैं मैं, बट नहीं, इट्स नॉट, इट्स नेवर स्कैरी। आई हैव बीन फॉर्चुनेट, आई हैव बीन ब्लेस्ड के इतने सालों में मतलब आई हैव ऑलवेज यू नो केप्ट माई सेल्फ बिजी, ऑलवेज वर्कड। सर मेरा क्वेश्चन है कि आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग करी है, तो यूजुअली मतलब लोगों को इंजीनियरिंग करने के बाद ही एक एक्साइट होता है कि दूसरी फील्ड में जाना चाहिए, एंड यू हैव बीन टू फीजी और समथिंग, उसके बाद मतलब ऐसा बिल्कुल मूवी इंडस्ट्री में आना कैसा रहा आपके लिए? मैं मतलब आप जो काम कर रहे हो ना, ही वाज आल्सो एन इंजीनियर, हाँ, तो मैं वही काम करता था फीजी में। तो मैं इतना बोर हो गया था प्रोग्रामिंग करके कि मैं, तो मेरी कंपनी में मैं वीडियो लाइब्रेरी थी, मेरी कंपनी जो है ना वीडियो लाइब्रेरीज चलाती थी, और उनका एक छोटा सा प्रोडक्शन यूनिट था जो स्पोर्ट्स शूट करते थे लाइव, टीवी नया नया आया था वहाँ। तो मैं, मुझे ना छत पे रग्बी मैचेस में छत पे कैमरा के साथ भेज देते थे, और मैं वहाँ वो बड़ा कैमरा ना, वो जो लाइव कैमरा जो होता है उसके साथ, एक हाथ में फोकस एक हाथ में जूम के साथ खड़ा रहता। मेरा काम था सिर्फ वाइड शॉट लेना, ऐसे सिर्फ घूमते रहना, लोग भाग रहे ऐसे घूमते रहना, कुछ नहीं फोकस नहीं करना, कुछ नहीं। और उसके बाद पैकेजिंग करना, उस का ग्राफिक्स करना। तो वहाँ से एक्चुअली कीड़ा आया, और मतलब मैंने रियलाइज़ किया कि मैं खुश हूँ, मतलब मेरे सारे जो मित्र हैं कॉलेज से, वो सब मतलब आज मतलब मेरे से बहुत पहले उन्होंने प्रॉस्पेरिटी देखी, सब अमेरिका में है, सब बड़े बड़े घरों में रहते हैं, सिलिकॉन वैली में है, और शायद उनको उसमें खुशी मिली है, मुझे इस काम में खुशी मिली। एंड ऑल्सो सर, आई हैव रीड योर वेबसाइट, आपने hansalmehta.com में लिखा है कि देयर वाज सम टसल बिटवीन यू एंड अनुभव सिन्हा। सर टसल नहीं था कोई, टसल नहीं था, दोस्ती है, दोस्ती वाला टसल, टसल एक ही था कि वो जब हम लोग मतलब रिक्शा के पैसों के लिए स्ट्रगल करते थे, वो टोयोटा में घूमता था, तो मुझे दिक्कत उस बात से थी, और आज भी है। मतलब जब मतलब आप सोचते हो, उसके घर जाते हो कि देख मैंने नई गाड़ी खरीदी है, तो उसकी गाड़ी देख के बोलता, अरे अच्छा तेरे पास ये है, अच्छा, तो वो है, थोड़ा शो ऑफ है वो। एक अच्छे एक्टर के साथ साथ व्हाट इज दैट वन थिंग दैट्स इंपॉर्टेंट टू सर्वाइव इन दिस इंडस्ट्री? लाइक यू आर अ गुड एक्टर, ग्रेट, बट नाउ व्हाट एल्स डू यू डू? ओनली वन थिंग इज इंपॉर्टेंट, टू बी एन ऑथेंटिक एंड गुड एम्पैथेटिक ह्यूमन बीइंग। कि आप किस कुछ भी करते हैं समय, व्हाइल टेकिंग एनी डिसीजन ऑन एनीथिंग, yeah, try to once put yourself in the other person's shoes and then, yeah, you know, do whatever you want. I think it's the single good quality is to be a good human being, because that shines through. If you see Rajkumar Rao's performances, yeah, Pratik Gandhi ko aap dekho, you, what shines through is their humanity, ki they come across as genuinely good human beings. So humility, empathy and kindness, I think there's nothing bigger, that is the biggest quality that you can have. Baki talent will always be there. Okay, so you are also working with Kareena Kapoor.
डू यू थिंक शी इज अंडररेटेड एज एन एक्टर? आई थिंक शी इज अंडरयूटिलाइज्ड, मतलब शी हैज अ वास्ट रेंज एंड वी हैव ट्राइड टू टैप इनटू समथिंग दैट शी हैज नॉट डन बिफोर. Yeah. And yeah, I mean, she's beyond everything. She's a joy to be with on set. She is an absolute pleasure to be with on set. She is so much fun. I just met her a few days back and I told her I miss being on set with her. Okay. Mujhe batao, is there a mistake that people make in their young days when they're entering the industry? Or like just young students, what do you think is a mistake that today's generation makes? I don't know. Actually, I realize that the generation today is far smarter than we think they are. Matlab, if you see Faraz, it is my tribute to the youth of today. You know, log hamesha kehte hain, "Are, inko to kuch padhi nahi hai. They're busy with their phones. They're busy with their devices. Busy with social media. Ye reel bana rahe, ye video bana rahe." आप देखते हो reels? हाँ, मजा आता है. But you know, the truth is कि नहीं, there is this generation जिसको आप woke कहते हैं. This generation, I believe they are more aware. They have a greater understanding of the world, and I am very hopeful that they will actually take us into a better world. We will see a much better time than we are seeing today. You know, when they take over. And Faraz was a tribute to that. कि वो जो character था Faraz का, कि ही इन अ हॉस्टेज सिचुएशन वेयर द कैफे वॉज अंडर सीज, ही डिड नॉट लीव हिज टू फ्रेंड्स. ही वॉज गिवन द चांस टू वॉक आउट बट ही डिड नॉट बिकॉज ही वॉन्टेड टू बी देयर फॉर हिज फ्रेंड्स. तो वो एक जो जज्बा है, मतलब आप सोचते हो कि नहीं यार यंग पीपल में कुछ नहीं है, वो नहीं है. मतलब आई इट इज़ समथिंग दैट आई वॉन्टेड टू सेलिब्रेट द यूथ ऑफ टूडे, दैट they are smart, they are aware, and they are much sharper. मतलब इनकी उम्र में मैं मतलब आपसे बात करने में शर्माता, घबराता, अपने आप को आर्टिकुलेट करने से शायद इतना आर्टिकुलेट भी नहीं कर पाता खुद को. तो यू नो दे आर फार मोर आर्टिकुलेट, फार मोर अवेयर. आई जस्ट होप दैट दे एंगेज themselves विथ आर्ट इन अ बिगर वे. कि आप अगर आर्ट के साथ एंगेज करोगे तो आपको और आर्ट मिलता रहेगा. यू नो, एंगेज विद सिनेमा, विद थिएटर. यू नो, हर चीज़ डिवाइस पे नहीं है. बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक्सपीरियंस करने वाली है, एंड उसके साथ प्लीज़ एंगेज करिए. जाइए कभी ना शाम को थिएटर, जाइए प्लेज देखिए. यू नो, आफ्टर दैट गो टू स्टारबक्स. You know, go hang out at the mall, go to the cinema halls, watch good films there. Achhi filmein dekhiye, Faraz dekhiye wahan. You know, and it will just make the world a better place. You know, theaters band nahi honge, art aap support karoge. Is there anything that you think that our generation lacks? I don't know. They lack a leader from their generation. They need leadership from somebody of their generation. And the day that happens, we will see a new India and a better India. Thank you so much for giving us time. Can you all please tell? Thank you. Please tell our audience why should they watch Scoop. Watch Scoop, 2nd June on Netflix. अगर आपको Scam 1992 पसंद आया, तो आई थिंक ये आपको और भी पसंद आएगा. Okay. आपको इसमें मज़ा आएगा. ये उससे अलग भी है और नया भी है एंड मज़ेदार भी है. डन. थैंक यू सो मच सर.